पर हमला करने का इरादा कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम को बुला करके मशवरा किया और ये तय पाया कि हम लोग मदीना से बाहर चल करके उनका मुकाबला करें। कहां तक जाना है? मकामे तबूक तक पहुंचना है। गर्मी का मौसम है, खजूरें पक चुकी हैं, तोड़ने का वक्त भी आ गया है। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को नफीर आम का हुक्म दिया कि जो हाथ भी तलवार उठा सकते हैं वो इस लश्कर में शरीक हों। उससे पहले आपने चंदे का ऐलान फरमाया ताकि इस लश्कर की बखूबी तैयारी की जा सके। मुसलमानों ने इस चंदे में ताउन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पूरा असासा अल्लाह की राह में दे दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असासे के दो हिस्से किए, आधा घर में रख दिया और आधा अल्लाह और उसके रसूल के लिए खास कर दिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दीनार की थैली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। एक सहाबी हैं हजरत अकील रजी अल्लाह ताला, उन्होंने रात भर एक यहूदी के यहाँ खेती में काम किया था। 4 शेर गल्ला मिला था, उसमें आधा घर वालों के लिए रख दिया और आधा ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। 30,000 का ये लश्कर तबूक के लिए रवाना हुआ और आगे बढ़ता चला गया। 3 सहाबा हजरत काब इब्ने मालिक, हिलाल इब्ने उमैया और मुरार इब्ने रुबैया, ये 3 सहाबे किराम, नीयत अच्छी थी, खालिस नीयत थी, लेकिन सुस्ती की वजह से ये लोग पीछे रह गए। इन्होंने ये सोचा कि मुसलमान धीरे धीरे पड़ाव डालते हुए मंजिल तक पहुंचेंगे, हम लोगों के पास घोड़े हैं, हम लोग अगर देर में भी यहाँ से निकलें, मदीना से रवाना हो तो उनके साथ हो लेंगे। लेकिन आजकल में वो नहीं जा सके। यहाँ तक के लश्कर तबूक जाकर वापस लौट आया और ये तीनों उस लश्कर में शरीक नहीं हो सके। 80 मुनाफिकीन थे, वो भी इस जंग में शरीक नहीं हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए तो जितने भी मुनाफिकीन थे सब आ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उज़्र माज़रत करने लगे। अल्लाह के रसूल, मैं इस वजह से नहीं आ सका, अल्लाह के रसूल, मैं उस वजह से नहीं आ सका। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के उज़्र को कबूल फरमाया, लेकिन ये तीनों जो सच्चे पक्के मुसलमान थे, सहाबी थे, इन्होंने कोई उज़्र नहीं पेश किया और कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारा कोई उज़्र नहीं है, हम जा सकते थे, आपके साथ चल सकते थे, लेकिन सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से आजकल में रह गए और हम आपके साथ नहीं जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों के साथ सोशल बायकॉट का हुक्म दिया, कहा कि इनसे कोई सलाम नहीं करेगा, कलाम नहीं करेगा, कोई इनसे बात नहीं करेगा। हजरत काब इब्न मालिक फरमाते हैं कि 2 जो थे, हिलाल इब्न उमैया और मुरारा इब्न रुबैया, ये तो अपने घरों में बैठ गए, लेकिन मैं नमाजों में आया करता था। यहां तक के कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखा करता कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। सहाबे किराम से मैं
सलाम करता तो लोग सलाम का जवाब ही नहीं देते। एक दफा बाग में कूद करके एक बाग में गए जो इनके किसी रिश्तेदार का था, सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। कहा कि मेरे भाई मेरे सलाम का जवाब तो दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, जमीन मेरे ऊपर तंग हो गई है बावजूद कि वो कुशादा है। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, अल्लाह और उसके रसूल का यही हुक्म है। 40 दिन के बाद हुक्म यह हुआ कि इन तीनों की जो बीवियां हैं ये अपने अपने मायके चली जाएं, इनको तनहा छोड़ दें, बीवियां भी इनके साथ ना रहें। 50 दिन के बाद तीनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बराअत की आयत नाज़िल फरमाई। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم। ये तीन आदमी, थलाथा तीन आदमी, ये जो पीछे रह गए थे, जमीन बावजूद की कुशादा थी मगर इनके ऊपर तंग हो गई थी। आखिरश 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उनकी बरात की और तौबा की कबूलियत की आयत नाजिल फरमाई। हजरत काब इब्न मालिक फरमाते हैं कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के आती और आपके ऊपर वही उतरी और आपने एक साहब को कहा कि उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो पीछे रह गए थे। कहते हैं कि सबसे पहले उस आदमी की आवाज मैंने सुनी जो ऐलान कर रहा था, अरे भाई वो जो तीनों लोग थे जिनका सोशल बायकॉट किया गया था, अल्लाह ताला ने उनके बरात की आयत नाजिल कर दी है। हजरत काब कहते हैं मैं इतना खुश हुआ कि मैंने अपना लिबास उतार करके उस खुशखबरी कर देने वाले को दे दिया और उसके बाद भागा भागा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं अपनी पूरी जायदाद अल्लाह और उसके रसूल के लिए देना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर नहीं किया, कहा कि पूरी जायदाद अल्लाह की राह में देने की जरूरत नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में सदको खैरात के तौर पर दे दो। तो एक वाकया तो ये है, शुरू में ये बयान किया या तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम, ये लोग जब आप लौटेंगे आपके पास आकर उज्र माजरत करेंगे। ये उज्र माजरत करने वाले कौन? मुनाफिक लोग थे जिनकी तादाद 80 थी, लेकिन ये तीन लोग जो सहाबी थे और इनकी नीयत खालिस थी, सिर्फ सुस्ती की वजह से लश्कर में शामिल नहीं हो सके, इन्होंने आकर उज्र अपना बयान नहीं किया। इन तीनों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, यहां तक कि 50 दिन के बाद इनके बारात की आयत नाज़िल फरमाई और अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, इन्हें बख्श दिया। एक वाकया तो यह है। दूसरा वाकया इसमें यह बयान किया गया है कि मदीना में एक शख्स था जिसका नाम अबू आमिर राहिब था, यह ईसाई हो गया था और नुमाइशी तकवे की वजह से, एक होता है हकीकी तकवा एक होता है नुमाइशी तकवा, तो नुमाइशी तकवे की वजह से लोग इसको बहुत बड़ा बुजुर्ग समझते थे, यहां तक के इसको अपना रहनुमा और रहबर मानते थे। ये शख्स मशहूर सहाबी हजरत हंजला गसीरुल मलाइका, उनका बाप है। हजरत हंजला वो सहाबी हैं कि जब जंगे उहुद खत्म हुई तो जो 70 सहाबे किराम शहीद हुए थे उनकी लाशें जब उठवाई जाने लगी तो उनमें हजरत हंजला भी थे। जब इनकी लाश उठाई गई तो लगता था कि जैसे इनको अभी नहलाकर उतारा गया, पूरे बदन से पानी टपक रहा था, बालों से पानी टपक रहा था। सहाबे किराम हैरत ज़दा हो गए कि अल्लाह के रसूल ये हजरत हंजला जो है इनके बदन से तो पानी टपक रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये रात में इन्होंने अपनी बीवी से मुकारबत की थी, ये गुस्ल नहीं कर सके, ऐलान हो गया और फौरन ही वो मैदान में उतर गए और अल्लाह ताला ने इनको शहादत बख्शी। मैंने देखा कि फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं। ये हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला ने, हजरत हंजला गसीरुल मलाइका, उन्हीं का बाप था अबू आमिर राहिब। बेटा कैसा और बाप कैसा? अबू आमिर राहिब इसने जो है ईसाइयत कबूल कर ली थी और मदीना में
इसकी काफी रूहानी धाक थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो रूहानियत के मैदान में इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हरीफ और अपना मुकाबिल समझ लिया और तरह तरह की रिशा दवानियां करने लगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारी चाहतें और सारी मोहब्बतें खास हो गई सहाबे किराम की। ये तन्हा पड़ गया, इसको कोई पूछता भी नहीं था, तो ये दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगा और दीन इस्लाम से नफरत करने लगा, मुसलमानों से नफरत करने लगा, और दिनों रात ये इस्लाम, मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए तरह तरह की रिशा दवानियां करने लगा। ये सोच रहा था कि मुट्ठी भर लोग हैं, जंग हुई तो पीस दिए जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जंगे बद्र के अंदर जब मुसलमानों को शानदार कामयाबी अता फरमाई तो ये जल भूम गया और इसके बाद इसने पूरे अरब के कबीलों में जा जा करके मुसलमानों के खिलाफ उन कबीले वालों को भड़काया और इसी भड़काने की वजह से दूसरी जंग जो हुई जंग उहुद वो बर्पा हुई। ये इसी के इधर उधर घूम करके लोगों को जंग पर आमादा करने की वजह से जंग उहुद जहूर पजीर हुई। और ये वही शख्स है, ये वही बदबख्त है जिसने मैदान जंग के अंदर दो गढ़े खोद रखे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गढ़े में गिर गए थे और आपके खोद की कड़ियां आपके सर में घुस गई थी और आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। ये वही शख्स है जिसने मैदान जंग के अंदर दो गढ़े खोद रखे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गढ़े में गिर गए थे। जब अल्लाह ताला ने मक्का को फतेह कर दिया तो इसने समझ लिया कि अब इस्लाम का कारवां रुकने वाला नहीं है, अब खामखा इंतजार करना बेकार है कि मुसलमान इस दुनिया से फना हो जाएंगे, ये तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। लिहाजा भाग करके वो रूम के बादशाह हेरक्ल के पास पहुंच गया, उसने इसकी काफी आवभगत की और वहां पहुंच करके इसका ताल्लुक मदीना के जो मुनाफिकीन थे मुसलसल रहा। इसने कहा कि तुम लोग एक अड्डा तैयार करो जहां हमारे पूरे प्लान पहुंचे और हमें पल पल की खबरें वहां से मिलें कि मुसलमान अब क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। एक अड्डा बनाओ और सबसे बेहतरीन अड्डा मस्जिद ही हो सकती है, किसी को शक भी नहीं गुजरेगा, और हम एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर के मुसलमानों के ऊपर हमलावर होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक में जाने वाले थे, उससे पहले ही इन्होंने एक मस्जिद बनाई। कहां? उस वक्त मदीना में दो ही मस्जिदें थी, एक मस्जिद कुबा और एक मस्जिद नबवी। इन्होंने मस्जिद कुबा के पास वो मस्जिद बनाई जिसको कुरान हकीम के इस बारे में 11वें बारे में मस्जिद ज़रार कहा गया है। ये मस्जिद कुबा से थोड़े फासले पर थी। बहाना ये किया इन्होंने कि अल्लाह के रसूल, हमारे महल्ले में बड़े बूढ़े लोग हैं जो मस्जिद नबवी या मस्जिद कुबा में नहीं पहुंच सकते, तो हमने उसके थोड़े से फासले के ऊपर एक मस्जिद बनाई है ताकि बूढ़ों को नमाज पढ़ने में आसानी हो, बीमारों को नमाज पढ़ने में आसानी हो, आप चल के एक दफा नमाज पढ़ दें, इफ्तिताह कर दें और हम लोग नमाज शुरू कर देंगे। इन्होंने मस्जिद बना ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जंग तबूक की तैयारी में मसरूफ थे। आपने फरमाया अभी तो मैं जंग की तैयारी में मसरूफ हूँ, बाद में देखूंगा, बाद में आकर नमाज पढ़ दूंगा, तुम लोग नमाज शुरू कर देना, मस्जिद का इफ्तिताह हो जाएगा। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक गए, ये लोग तो बैठ करके साजिशें कर रहे थे, ये वही लोग थे 80 मुनाफिकीन जिन्होंने आकर के उज़्र माज़रत की। जब आप जंगे तबूक से वापस हुए और मकामी ज़ी अवान में पहुंचे जो मदीना से थोड़े फासले के ऊपर है, वहां आकर के हजरत जिब्राइल ने यह बताया कि अल्लाह के रसूल, अभी जब आप मदीना पहुंचेंगे तो मस्जिद कुबा के पास जो मस्जिद बना रखी है वो मुनाफिकीन ने बनाई है और उनका ये मकसद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने से पहले ही दो सहाबा मान इब्ने अदी और मालिक इब्ने दुखशुम, दो सहाबा इकराम को भेजा और कहा जाकर के मस्जिद को जमीन के बराबर कर दो। मस्जिद तोड़ करके जमीन के बराबर कर दी गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। ये वही मस्जिद है जिसको मस्जिद ज़रार कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदें दो तरीके की होती हैं, एक की बुनियाद तकवा के ऊपर होती है और एक की बुनियाद किन किन चीजों पर होती है बताया गया। वल्लदीन तखदु मस्जिदन ज़रारन व कुफ्रन व तफरीकन बैनल मुमिनीन व इसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलह, फरमाया गया ये मस्जिद ज़रार जो होती है, ज़रार का मतलब होता है कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाना
दूसरों को नुकसान पहुंचाना जिसमें अपना कोई फायदा ना हो, इसको कहते हैं ज़रर। और ज़रर किसको कहते हैं? दूसरे को तकलीफ पहुंचाना उसमें अपना फायदा हो। यह फर्क ज़रर और ज़रार में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला ज़रर वला ज़रार। इस्लाम में न तो ज़रर है न ज़रार है। ज़रर उस तकलीफ को कहते हैं कि सामने वाले को नुकसान पहुंच जाए और पहुंचाने वाले को कोई फायदा पहुंचे। और ज़रार का मतलब है सामने वाले को नुकसान पहुंच जाए लेकिन पहुंचाने वाले का कोई फायदा ना हो। तो ये मस्जिद ज़रार थी, इसको मस्जिद ज़रार कहा गया। ज़रर पहुंचाने की गरज से ये मस्जिद बनाई है। वह कुफ्रन, और इसकी बुनियाद कुफ्र के ऊपर थी, इसलिए कि मुनाफिकीन ने बनाई थी, इसमें कोई भी मुसलमान शामिल नहीं था। तो वल्लज़ीन तखदू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीकन बैनल मोमिनीन, और इस वजह से भी बनाई गई ताकि मुसलमानों के दरमियान तफरीक हो। तो ऐसी मस्जिद जो मुसलमानों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों के मुंतशिर करने के लिए बनाई जाए, वो मस्जिद भी मस्जिद ज़रार है। व इरसाद लिमन हारम अल्लाह, और अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वालों के लिए खुफिया पनाहगाह हो, यानी जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात ना बताई जाती हो। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें कुरान हकीम की तफसीर नहीं होती है, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें हदीस की बात नहीं होती, हदीस का दर्स नहीं होता, न जाने कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं लोग। तो वह इरसाद लिमन हारम अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वालों के लिए खुफिया पनाहगाह हो, इस तरीके की मस्जिद को मस्जिद ज़रार कहा जाता है। والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मस्जिद को मस्जिद ज़रार फरमाया और उसको ढा दिया। और उसके बाद एक मस्जिद और थी, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, जिसके बारे में फरमाया गया, अफमन असस बुनियानहु अला तक्वा मिन अल्लाह वरिज़वानिन खैरुन अम्मन असस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारि जहन्नम। एक मस्जिद ऐसी है जिसकी बुनियाद तकवा के ऊपर रखी गई है। तो जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा के ऊपर रखी गई हो, उस मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ें। मस्जिद ज़रार के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाते हुए कहा कि इन लोगों का इस मस्जिद से ये मकसद है, तो ला तकुम फीही अबदा, ऐसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना तो दरकिनार, आप उसके अंदर खड़े भी मत होइए। फरमाइए मस्जिद ज़रार के अंदर जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात के अलावा दुनिया की बातें होती हूं, ऐसी मस्जिद मस्जिद ज़रार है, उसके अंदर नमाज पढ़ना तो दरकिनार, ला तकुम फी अबदा, उसके अंदर आप खड़े भी मत होइए। इसका मतलब जो मस्जिद तकवे की बुनियाद पर न बनाई गई हो उसके अंदर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। तो मस्जिदें दो किस्म की, मस्जिद ज़रार और मस्जिद तकवा। ये दो अहम वाकयात इस बारे में बयान किए गए हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها। अल्लाह ने फरमाया कि तीन तरीके के लोग हैं, एक हैं अंसार जो प्रॉपर बाशिंदे हैं मदीना के, और एक है मुहाजिरीन जो जगह जगह से हिजरत करके आए हैं, मक्का से या और जगहों से, हबश से, कहीं से भी आए। तो एक है अंसार, एक है मुहाजिर, और इन्हीं दोनों में के कुछ लोग हैं जो साबिकून अल अव्वलून हैं, जिन्होंने सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। तो साबिकून अल अव्वलून कौन है अंसार और मुहाजिरीन में के? सही और राजह बात यह है कि जो लोग जंगे बद्र से पहले ईमान ले आए वो साबिकून अल अव्वलून है। जंगे बद्र के बाद जो लोग ईमान नहीं लाए, ईमान लाए, वो साबिकून अल अव्वलून में नहीं है। साबिकून अल अव्वलून वो सहाबे किराम हैं अंसार और मुहाजिरीन में के जिन्होंने जंगे बद्र से पहले इस्लाम कबूल कर लिया। तो والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, तो दर हकीकत ये तीन ग्रुप हो गए, अंसार, मुहाजिरीन, और इनमें के वो लोग जो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम लाए। और उसके बाद चौथा ग्रुप है والذين تبعوهم بإحسان, जो अंसार और मुहाजिरीन और इसी तरीके से
السابقون الاولون کے نقش قدم پر چلے, قیامت تک جتنے لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کے بعد ایک بات فرمائی گئی کہ آدمی جب کوئی گناہ کرے یا گناہ ہو جائے تو توبہ کرے, اور توبہ کرنے کے بعد صدقہ و خیرات کرے تو اس میں توبہ کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا, اس نے توبہ کی, توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا الم یعلمو, کیا ان لوگوں کو یہ علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرتا ہے. الم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی ویاخذ الصدقات, کہ کیا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے. اب دیکھیں یہاں توبہ کی قبولیت کے ساتھ ساتھ صدقات کے لینے کا ذکر کیا گیا, اس کا مطلب آدمی سے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرے اور اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اس گناہ سے توبہ کے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات یہاں ارشاد فرمائی, احنف ابن قیس کا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا جمعہ کے اندر, کہ انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے یہ قرآن نازل کیا اس میں تمہارا ذکر ہے, تو احنف ابن قیس کہنے لگے اس میں اللہ تعالی نے میرا بھی ذکر کیا ہے, لو ڈھونڈتا ہوں میں کہاں ہوں. تو انہوں نے جنتیوں کے اعمال دیکھے اور جنتیوں کے درجات دیکھے, کہا ایسے تو اعمال میرے نہیں ہیں بھائی. پھر انہوں نے جہنمیوں کے اعمال دیکھے اور جہنم میں ان کو کیسی سزائیں دی جا رہی ہیں, وہ دیکھا کہا کہ اب ہم ایسے بھی گرے پڑے نہیں ہیں کہ اس طریقے کے ہمارے اعمال ہوں, تو جنتیوں جیسے بھی ہمارے اعمال نہیں اور دوزخیوں جیسے بھی ہمارے اعمال الحمدللہ نہیں ہیں, تو پھر ہم کہاں ہیں. یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی ہو. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, کہ وہ لوگ جنہوں نے اچھائیاں کی, نیکیاں کی, اور ان میں کچھ برائیاں بھی مل گئیں, کچھ برائیاں بھی ان سے ہو گئیں, تو اللہ تبارک اصل اللہ ان یتوب علیہم, اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا. فوراً احنف ابن قیس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا ہے, اس آیت کریمہ میں میرا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نیکیاں کرے, اگر بائی چانس کچھ گناہ بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اکان للناس عجباً ان اوحینا الى رجل منهم, کہ لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک بشر, ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے. کیا اس پر حیرت نہیں ہوتی کہ انسانوں کو خدا کا اوتار سمجھ لیا گیا, ایک پیغمبر کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا گیا, تو پیغمبر خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے, اس پر کسی کو تعجب نہیں. انسان خدا کا اوتار ہو سکتا ہے, اس پر کسی کو تعجب نہیں. بتوں کے اندر اللہ حلول کر سکتا ہے, اس پر کسی کو تعجب نہیں. لیکن ایک انسان نبی ہو جائے تو اس پر لوگوں کو تعجب ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. پہلے کیا بولتے تھے لوگ کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا, اور آج کیا کہتے ہیں نبی انسان نہیں ہو سکتا. یہی تو ہے, پہلے کیا بولتے تھے لوگ انسان نبی نہیں ہو سکتا, اور آج کیا کہتے ہیں نبی انسان نہیں ہو سکتا. وہ دلیل دیتے تھے کہ بھائی انسان نبی نہیں ہو سکتا, اور یہ دلیل دیتے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا. بتائیے دونوں باتوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق ہے؟ دونوں باتیں ایک ہی ہیں. وہ کہتے تھے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا, یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء, اسی نے سورج کو بنایا جس کے اندر ضیاء ہے, یہ ضوء کی جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کے اندر کئی رنگ ہوتے ہیں, بعد میں تحقیق سے پتا چلا کہ اس کے اندر سات رنگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی روشنی کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال فرمایا, اس میں سات رنگ ہوتے ہیں جو ضوء کی جمع ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ
इरशाद फरमाया है कि जो लोग नेकी करते हैं, लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने नेकी की अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी नेकियों को कबूल किया, उनके लिए हुस्ना है। हुस्ना से मुराद जन्नत, अल्लाह ताला ने जन्नत का नाम ही हुस्ना रख दिया है, यानी उसकी एक एक चीज इंतहाई हसीन है। अगर हुस्न देखना हो तो जन्नत को देखो, जन्नत को देखो, हुस्न देखना है तो जन्नत को देखो। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत का नाम ही हुस्ना रख दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन का तस्करा किया है कि जब मूसा अलैहि सलाम रात में बनी इसराइल को लेकर के निकले और बहरे अहमर के किनारे पहुंचे तो पीछे से ये लश्कर लेकर के वहां आ हाजिर हुआ। मूसा अलैहि सलाम के असहाब डर गए और काला असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, मूसा अलैहि सलाम के साथियों ने कहा, बनी इसराइल ने, कि ए मूसा तुमने कहां ला करके हमें फंसा दिया, हम तो पकड़ लिए गए, हम तो फिरौन के गिरफ्त में आ गए, अब हम क्या करें। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, قال كلا انما يا ربي سيهدين, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो अनकरीब मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएगा। देखिए सामने मौत है और इधर भी मौत है, आगे भी मौत और पीछे भी मौत, सामने दरिया है, समुंदर है और पीछे दुश्मन है। इस पर भी एक नबी का तवक्कुल देखिए, जब उनके साथी ये बोलते हैं कि आपने मुझे कहां ला करके, आपने हमें कहां ला करके फंसा दिया है, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम यही बोलते हैं कि चुप रहो, अल्लाह मेरे साथ है, अनकरीब वो कोई ना कोई रास्ता सुझा देगा। इसमें एक नुक्ता ये मिलता है कि अगर किसी इंसान का तवक्कुल अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर इंतहाई गहरा हो तो चारों तरफ से अगर मुसीबतें उसे घेरे हुए हूं तो उन मुसीबतों से अल्लाह तबारक व ताला जरूर नजात देगा। अगर आदमी को यह पूरा यकीन हो जाए, यकीन कामिल हो जाए कि मेरा रब मेरे साथ है और मेरा रब मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब आप देखिए कि कोई बहुत बड़े ओहदे वाला किसी आदमी से यह कह दे, किसी आदमी को पकड़ लिया गया, पुलिस उसको ले जा रही है, अब वो घबराया हुआ है, लेकिन कोई बड़ा नेता, कोई बड़े असर और रसूख वाला आदमी ये कह दे, घबराना नहीं मैं तेरे साथ हूं, घबराना नहीं मैं तेरे साथ हूं, तो उस आदमी को तसल्ली हो जाती है। अब बताइए अल्लाह किसी के बारे में ये कह दे कि घबराना नहीं मैं तेरे साथ हूं, तो आदमी को कितना सुकून और इत्मीनान हो जाना चाहिए। एक नबी का तवक्कुल देखिए कि सामने भी मौत और पीछे भी मौत है, इसके बावजूद वो कह रहे हैं इन्ना मैया रब्बी सयादीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, फाउहैना इला मूसा अली फिर बियासाकल बहर, सोटा जो तुम्हारे हाथ में है उसे दरिया के ऊपर मारो, अल्लाह तबारक व तआला रास्ता दे देगा। दरिया फट गया, बीच में से हजरत मूसा अली सलाम अपने साथियों को लेकर के दरिया के पार निकल गए। फिरौन ने यह देखा कि दरिया में रास्ता बन गया है, वो भी अपने लश्कर को लेकर के बीच रास्ते में आ गया। वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को, जो पहाड़ों की तरह दोनों तरफ खड़ा हुआ था, उस पानी को अल्लाह ताला ने मिला दिया और पूरा लश्कर डूब गया। ये जब डूबने लगा और मरने के करीब हुआ तो इसने ईमान कबूल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया इस आयत करीमा में देखिए, वजावजना बिबनी इसराइल अल-बहर فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ। जब फिरौन डूबने लगा और मरने के करीब हुआ और मौत को उसने अपनी आंखों से देख लिया तो वो कहने लगा कि मैं उस रब के ऊपर ईमान लाया जिस रब के ऊपर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं ये गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। देखिए आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल, मैं उस रब के ऊपर ईमान लाया जिसको बनी इसराइल रब मानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया आल आना वकद आसैता मिन कब्लु व कुंता मिनल मुफ्सिदीन, अभी ईमान ला रहा है। पता ये चला कि आदमी
के सामने जब मौत आन खड़ी हो तो इसको कहते ईमान बिलबास, उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं होता। अगर फरिश्ते नजर आने लग गए, आदमी ने आलम बाला के मनासिर देखने शुरू कर दिए तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती। जब तक वो फरिश्तों को देखता नहीं तब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, और जैसे उसने फरिश्तों को देखा तौबा का दरवाजा बंद हो गया। इसी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں اور جب موت ان کے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت آن کھڑی ہوتی ہے تو کہتے انی تبت الان، اب میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں جب موت سامنے آ کھڑی ہو، اس کو کہتے ایمان بالباس، اور ایمان بالباس معتبر نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرا نہ آ جائے۔ جب تک گرگرا نہ آئے، گرگرا سے پہلے تک اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ گرگرا کس کو بولتے ہیں؟ آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے، جیسے پانی ہے یا شربت ہے، منہ میں جانے کے بعد آدمی اپنی زبان سے اس کو اپنے منہ میں ہیرے پھیرے مگر حلق سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو کہ گرگرا کا وقت آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا رزق اسے ملنا تھا، جتنی روزی اس کو کھانی تھی، ساری روزی کھا گیا، اب اس کے حلق میں ایک قطرہ پانی اترنے والا نہیں ہے، حلق سے ایک قطرہ پانی نہیں اترے گا اور نہ رزق کا کوئی نوالہ اترے گا۔ جتنا پینا تھا اس نے پی لیا، جتنا کھانا تھا اس نے کھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا رزق لکھ دیتا ہے کہ بندے کو کتنا کھانا ہے، اس سے زیادہ ذرہ برابر کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہیں جا سکتی۔ تو غرغرا کہتے ہیں کہ کوئی پتلی چیز انسان کے منہ میں ڈالی جائے، جیسے شربت یا پانی، جس کو آسانی سے آدمی حلق کے نیچے اتار سکتا ہو، اس کو منہ میں لے لے اور زبان سے ہیرے پھیرے مگر حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو کہ غرغرے کا وقت آ گیا۔ اگر یہ مرحلہ آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک وقت اور ہے کہ جب سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا، جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی پھر انسان کی توبہ نہیں قبول کرے گا۔ جو جب تک سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلے، اس سے پہلے آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے، قبل اس کے کہ غرغرا آئے۔ غرغرا آنے سے پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے اور اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر یہاں سے توبہ کر کے نہیں گیا ہے پھر تو سارے مراحل اس کے لیے بہت ہی پیچیدہ ہیں اور بے انتہا مشکل ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ آدمی دنیا کے اندر تو منمانی زندگی گزار لیتا ہے، مگر حقیقی زندگی جو ہے 60-70 سال کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، در حقیقت وہ زندگی پائیدار اور ابدی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس پائیدار زندگی کو کامیاب بنا لے۔ یہ عارضی زندگی تو ہر آدمی کی گزر جاتی ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی ان لوگوں کی کامیاب ہوتی ہے جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یار کوشش یہ کرو کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بناؤ۔ فرعون کے سامنے موت آئی، توبہ اس نے کی مگر اللہ نے وہ توبہ قبول نہیں کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا اب توبہ قبول کر رہا ہے اور میں تجھے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنانے والا ہوں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج میں تیرے بدن کو نجات دے دوں گا، اس دریا سے باہر نکال دوں گا۔ اور میں نے دریا کی خصوصیت بھی بتائی تھی کہ مار کر کے یہ باہر پھینک دیتا ہے، جب تک چیز زندہ رہتی ہے دریا کے اندر رہتی ہے، مر جاتی باہر پھینک دیتا ہے۔ تو فرعون کی لاش بھی دریا کے کنارے تیرتی ملی، اور سن 1898 کے اندر یہ لاش دریافت ہوئی، اور 1907 کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 1898 کے اندر یہ لاش دریافت ہوئی، 1907 کے اندر ایک ممی کے ماہر ہیں سر گریفٹن نے جب اس
फिरौन की मम्मी के ऊपर से कुछ कपड़ा हटाया तो उस पर नमक की तह थी, से पता ये चला कि ये आदमी समंदर में डूब करके मरा है, और तहकीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर और कुरान हकीम की आयत के अंदर बयान फरमाया है, फलियोम अनुनजी का भी बदनी कली तकून अलीमन खल्फक आया, हम आज तेरे बदन को नजात देने वाले हैं और आगे आने वाले लोगों के लिए तुझे इबरत बनाने वाले हैं। आज भी काहिरा के म्यूजियम में फिरौन की लाश मौजूद है, बहुत सारी ममीज मौजूद है वहां, बहुत सारी ममियां हैं लेकिन सबको ममी करके रखा हुआ है, बहुत सारी लाशें हैं लेकिन ममी फाइड है, इसलिए कि अगर ममी ना करे तो लाश खराब हो जाएगी, लेकिन फिरौन की लाश बगैर ममी किए हुए काहिरा के म्यूजियम में रखी हुई है, बगैर ममी किए हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सड़ने से महफूज रखा है। ये दर हकीकत इस आयत करीमा का एजाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस आयत करीमा ने इसको उजागर किया है, फलियोमन उनजी कभी बदरी करी तकून अली मन खल्फक आया। अच्छा ये किस जगह डूबा, तहकीक ये हुई है कि बहर कुलजुम का एक हिस्सा है जिसको बिटर लेक बोलते, बिटर लेक, ये बिटर लेक ये बहर कुलजुम का एक हिस्सा है और नहरे सुइस के शिमाल में सुइस के दरिया से मिला हुआ है, और ये लाश जहां पाई गई वहां गर्म पानी का एक चश्मा था जिसको लोग फिरौन का चश्मा बोलने लगे, वहीं पर ये लाश पाई गई, और मुख्तलिफ जगहों से होती होती तहकीक के दरमियान आई और आज वो काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है। जिसको देखना हो इस आयत करीमा की हकीकत को और इस आयत करीमा के एजाज को, वो जा करके वहां देख ले कि बगैर ममी किए हुए वो लाश काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है। उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया बयान किया गया है। असल में इन्होंने अपनी कौम को, शहर नैनवा वालों को दावत दी इस्लाम की तरफ, तो सारे लोगों ने इनकी मुखालफत की, कोई ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो गुस्से में आकर के इन्होंने बद्दुआ की और कहा कि मैं अभी बस्ती से निकल रहा हूं और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे ऊपर आदाब नाजिल कर देगा। किसी शहर से नबी का निकल जाना इस बात की दलील होता है कि अब शहर वालों के ऊपर अल्लाह का आजाब आने वाला है, तो मारे गुस्से के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा से निकल गए, और इनके निकलने के बाद सारी बस्ती वाले शहर वाले घबरा गए कि बस्ती से शहर से किसी नबी का निकलना इस बात की अलामत है कि शहर अल्लाह तबारक व ताला के अजाब की लपेट में आने वाला है, चलो तौबा कर लो। तो इससे पहले अजाब आए इन्होंने बाहर बस्ती से सारे बच्चों को लेकर जानवरों को लेकर के एक मैदान में जमा होकर के अल्लाह तबारक तआला से तौबा की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजाब आ गया था इनके सरों के ऊपर लेकिन इनके तौबा की वजह से अजाब हटा लिया गया। ये शहर नैनवा वाले हैं कि इनके ऊपर अजाब आ गया था मगर तौबा की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इनके ऊपर से अजाब हटा लिया, और हजरते इनके ऊपर से तो अजाब हट गया लेकिन उनको मुसीबत में मुब्तला कर दिया अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूनुस को। वो मारे गुस्से के जब शहर से निकले, बस्ती से निकले, तो एक दरिया के किनारे आए, वहां कश्ती लगी हुई थी, कश्ती पर बैठ गए। कश्ती जब बीच भौर में पहुंची तो डावाडोल होने लगी। लोगों ने कहा कि ये कश्ती क्यों डावाडोल हो रही है, सामान तो कुछ ज्यादा लदा नहीं है। तो कुछ सामान उठा उठा करके उन्होंने दरिया में फेंकना शुरू किया कि ताकि कश्ती हल्की हो जाए। सामान काफी मिकदार में फेंकने के बाद भी कश्ती हिलती दुलती रही करीब तक कि डूब जाए। कहा कि लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा गुनहगार बैठा हुआ है और ये सामान उतारने से कश्ती नहीं बचेगी, हकीकत का पता लगाओ। तो कुरान नाज़िल हुआ तो कुरैनी के नाम निकला। कहा कि अल्लाह के बंदे अब तुझे डालना है, इससे पहले कि तुझे दरिया में फेंका जाए और हम सारे लोग बच जाए, तू बता दे कि तूने गुनाह कौन सा किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं वो गुलाम हूं जो आका की इजाजत के बगैर भाग पड़ा हूं, मैं आका की इजाजत के बगैर शहर से भाग करके आया हूं। लिहाजा उनको उठा करके दरिया के अंदर डाल दिया गया और बकिया जो लोग कश्ती के अंदर बैठे हुए थे उन सबको अल्लाह तबारक व ताला ने नजात दे दी। ये हजरते यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा है। और जब ये दरिया में गिरे तो आपको इसकी तफसील मालूम है कि किस तरीके से एक मछली ने इनको निगल लिया और मछली के पेट में पहुंच गए, अरसा दराज तक मछली के पेट में रहे,
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میرے بھائی مچھلی والے, یونس علیہ السلام کی دعا انسان اگر کسی بھی چیز کے بارے میں پڑھ کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مصیبت کو اس سے دور کر دے گا. لہذا اس بات کو دھیان میں رکھیں, جب بھی کوئی مصیبت آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہر پریشانی کے عالم میں اس کو پڑھیں, قرض کا معاملہ ہو یا کسی اور مصیبت کا معاملہ ہو, کسی بھی مصیبت کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ, کہ کسی بھی معاملے میں, کسی بھی جائز چیز میں, کسی بھی مصیبت میں بندہ میرے بھائی یونس کی دعا اگر پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو فاستجبنا له, تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور آگے فرمایا وکذالک ننجی المومنین, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے, یعنی قیامت تک جتنے بھی مومنین دعا کریں گے اور اس دعا کے حوالے سے مجھ سے کوئی چیز مانگیں گے تو ان کی مصیبت میں ضرور دور کروں گا, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. لہذا کوئی بھی مصیبت آئے دعا یونسی کو لازم پکڑا جائے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر خالص دل کے ساتھ آدمی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا. یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا متاع حسن بھی ہے اور دنیا متاع غرور بھی, یعنی یہ دھوکے کا سامان بھی ہے اور حسین سامان بھی ہے. ایک جگہ کہا گیا دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا, متاع حسن ہے, اچھی پونجی ہے. اجے دنیا اچھی پونجی ہے, ایک جگہ تو کہا گیا کہ یہ متاع غرور ہے, دھوکے کا سامان ہے, اور یہاں کہا جا رہا ہے اچھی پونجی ہے, ایک جگہ کہا گیا بری پونجی ہے, ایک جگہ کہا گیا کہ اچھی پونجی ہے, کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ جو شخص دنیا کو دنیا کی حد میں رکھتے ہوئے دنیا میں آخرت کی تیاری کرتا ہے تو دنیا اس کے لیے متاع حسن, اور اگر دنیا کو استعمال کرتا ہے آخرت کو بھلا کر کے تو دنیا اس کے لیے متاع غرور ہے. یہ مطلب بتایا انہوں نے. ایک جگہ فرمایا گیا دنیا متاع حسن ہے, ایک جگہ فرمایا گیا دنیا متاع غرور ہے, تو کیسے آخرت کو بھول کر کے اگر دنیا کے اندر مست رہتا ہے, دنیا کی نعمتیں استعمال کرتا ہے تو دنیا اس کے لیے متاع غرور, اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے تو دنیا اس کے لیے متاع حسن ہے. اور کسی نے بڑی اچھی تمثیل دی ہے دنیا کے بارے میں کہ جیسے کشتی ہے پانی کے اوپر چل رہی ہے, تو جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے تب تک کشتی اور کشتی والے محفوظ ہیں, اگر پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو پھر کشتی بھی ڈوب جائے گی, کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے. دنیا کی مثال اسی پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال اس کشتی کی سی ہے. دنیا سے آدمی اسی طرح فائدہ اٹھائے جیسے کشتی پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے. جب تک پانی کشتی کے نیچے ہے تب تک کشتی بھی محفوظ ہے اور کشتی کے اندر بیٹھنے والے لوگ بھی محفوظ ہیں. اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے. یہ رہا 11ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نگڑ گیا ہے یہاں پہ پھر سڑکنا مت. تفتیش ہوئی پڑھتے خود عدید مصر کی بیوی نے کہا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, ما علمنا علیہ من سو, ہم نے یوسف کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھی, کوئی برائی نہیں دیکھی. الان حس حس الحق انا راوتو, میں نے ہی ان کو برگلایا تھا اور اب حق واضح ہو چکا ہے. یہ تھا 12ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, بھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 12ویں پارہ سماعت فرمایا. پارے کی ابتدا میں کہا گیا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جتنے بھی جاندار ہیں
زمین میں چلنے والے ان سب کی روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے یہ بات اللہ نے فرمائی ہر جاندار کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے انسانوں کو یہ اختیار ہے کہ روزی چاہے حلال طریقے سے حاصل کریں یا حرام طریقے سے لیکن ملنے والا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا یہ بات پہلے ذہن نشین کی جائے کہ انسان کو اتنی ہی روزی ملنے والی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دی وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكْ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے راضی ہو جا اتنی روزی پر جو اللہ نے تیرے لیے مقسوم کر دیا ہے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے دس روپیہ اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو دس ہی روپیہ آپ کو ملنے والا ہے ہاں اس دس روپے کے حصول کے لیے طریقے دو ہیں چاہے اس دس روپے کو حلال طریقے سے حاصل کر لو یا حرام طریقے سے اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز بھی واضح کر دی ہے اور حلال چیز بھی واضح کر دی ہے بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر سے کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور قرآن حکیم کی بہت ساری آیتیں اس مفہوم کو واضح کرتی ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے تمام چیزیں اصلاً حلال ہیں الا یہ کہ اس کی حرمت کی دلیل آ جائے غور سے سنیے اور ذہن میں اس کو بٹھائیے کہ اصلاً تمام چیزیں حلال ہیں الا یہ کہ اس کی حرمت کے اوپر کوئی دلیل آ جائے چیز حلال ہی رہے گی جب تک کہ اس کی حرمت کی دلیل نہ مل جائے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس چیز میں نفع ہی نفع ہو وہ سودا جائز نہیں ہے انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں حدیث پڑھی ہی نہیں تو جو من میں آتا بولیں گے نا میں ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے خریدار کون اللہ بیچنے والا کون مومن یہ جو سودا ہوا ہے اس میں نفع ہی نفع ہے کہ گھاٹا ہے جی دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے اس کی قیمت بھی حلال ہے اور جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے یہ نقطہ ملحوظ رکھا جائے ایک ہے نفع ہی نفع کا ہونا اور ایک ہے کہ میں اس چیز میں نفع ہی نفع دوں گا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یہی فرق عالم اور جاہل کرتا ہے جاہل کو فرق معلوم نہیں رہتا اور عالم کو فرق معلوم رہتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا فتویٰ صرف عالم دے گا یہ قرآن حکیم کا بیان ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ جن کو استنباط کا طریقہ معلوم ہے فتویٰ وہ دیں گے جوہلا کو فتویٰ دینے کا حق نہیں تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے تو بہت سارے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں اس سوال کا جواب کیا ہے سوال سمجھ میں آیا
कि हर जानदार की रोजी की जिम्मेदारी जब अल्लाह के ऊपर है कि रोजी पहुंचाएगा, तो बहुत सारे लोग भूख से क्यों मर जाते हैं? जवाब उसका यह है कि रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने उस वक्त तक ले रखी है जब तक कि उसकी उम्र पूरी नहीं होती। उम्र पूरी हो गई तो उसे मरना ही, बहरहाल उसे इस दुनिया से जाना है। इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, जैसे अमराज हैं, वबाएं हैं और खुद भूख है। रोजी की जिम्मेदारी उस वक्त तक है जब तक कि आदमी की उम्र खत्म नहीं होती। अब उम्र अगर खत्म हो गई तो अब उसे मरना ही है। उसका सबब कोई भी हो, चाहे भूख हो और चाहे कोई बीमारी हो और चाहे कोई बला। यहां एक और नुक्ता पेश नजर रहे, अल्लाह को मालूम है कि कौन सा जानदार कहां है, ये उसके कमाल इल्म की दलील है। और ये जान करके कि फला जानदार फला जगह है, वहां तक रोजी पहुंचा देना, ये उसके कमाल कुदरत की दलील। हुमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला के कमाल इल्म और कमाल कुदरत की दलील बताई है। तमाम जानदारों के बारे में ये इल्म रखना कि जानदार कहां है, ये उसके कमाल इल्म की दलील। और ये जान करके कि फला जानदार फला जगह है, वहां तक उसकी रोजी पहुंचा देना, ये उसके कमाले कुदरत की दलील है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला के कमाले इल्म और कमाले कुदरत की दलील बताई गई। एक साहब ने इस आयत करीमा को जब पढ़ा कि हर जानदार की रोजी अल्लाह तबारक व ताला के जिम्मे है, तो एक जंगल से गुजर रहे थे, देखा कि कुछ कराहने की आवाज आ रही है। उन्होंने चारों तरफ देखा कि ये कराहने की आवाज कहां से आ रही है। आवाज की समत मालूम हुई कि आवाज इधर से आ रही है। गए देखा तो एक गहरा गड्ढा है, उसके अंदर एक अपाहज लोमड़ी पड़ी हुई है। वो बार बार कोशिश करती है कि गड्ढे से निकले, मगर थोड़ी दूर जाती है और अपाहज होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाती, फिर गड्ढे में गिर जाती है। ये बहुत हैरान हुए कि यहां तो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, कोई आदमजात नहीं, दूर दूर तक आबादी नहीं, अल्लाह इस अपाहज लोमड़ी को कैसे जिंदा रखेगा? आज मैं देखता हूं, हुमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि हर जानदार की रोजी अल्लाह के जिम्मे है, इस अपाहज लोमड़ी को इस बेआबो गया मैदान में अल्लाह रोजी कैसे पहुंचाएगा? एक दरख्त के ऊपर बैठ गए, एक घंटा हुआ, दो घंटा हुआ, चार घंटा हुआ, देखा कि एक बारहसिंघा भागता हुआ आ रहा है, उसके पीछे एक शेर है। अचानक भागते हुए बारहसिंघे की सींग एक झाड़ी में फंस गई और शेर ने उसके ऊपर हमला किया, उसका खून पिया, उसका गोश्त खाया जितना उसे खाना था। उसके बाद गुस्से के मारे इतनी जोर से झटका दिया कि वो बारहसिंघा लुढ़कता हुआ उसी गड्ढे में जा गया। कहा सुभान अल्लाह, अब एक दो महीने के खाने का इंतजाम उस अपाहज लोमड़ी के लिए अल्लाह तबारक तआला ने कर दिया। उमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनकी रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ऊपर ले रखी। ये तो रोजी का मामला है। और वयालम मुस्तकर्रहा व मुस्तौदाहा, वो हर जानदार के मुस्तकर को भी जानता है और मुस्तौदा को भी जानता है। मुस्तकर किसे कहते हैं? जहां इंसान अपनी बेशतर जिंदगी गुजारे उसको उसका मुस्तकर कहते हैं, और जहां पर दफन किया जाए उसको मुस्तौदा कहते हैं। आरजी तौर पर अगर कहीं रहे तो उसको मुस्तकर नहीं कहते। जैसे कोई कहीं एक महीने के लिए आया है या दो महीने के लिए आया है, चार महीने के लिए आया है, तो यह उसका मुस्तकर नहीं है। जिंदगी का बेशतर हिस्सा जिस आदमी ने जिस मकाम पर गुजारा हो उस मकाम को मुस्तकर कहते हैं, और जहां पर दफन किया जाए उसको मुस्तौदा कहते हैं। अल्लाह तबारक ने फरमाया वयालम मुस्तकर रहा व मुस्तौदा, अल्लाह उसके मुस्तकर को भी जानता है कि ये ज्यादातर किस जगह पर अपनी जिंदगी गुजारेगा, और अल्लाह को ये भी मालूम है कि ये किस जगह दफन होगा।
उस जमीन के बारे में भी अल्लाह को मालूम है कि यहां वो दफन होगा। यहां देखिए मदफन को, कब्र को, न तो कब्र यहां कहा गया कि अल्लाह उसकी कब्र को जानता है, न ये कहा गया कि उसके मदफन को मैं जानता हूं दफन की जगह को, बल्कि उसके लिए लफ्ज लाया गया मुस्तौदा। और वदियत कहते हैं अमानत को, ये मेरी चीज है, मैं कहीं जा रहा हूं, अब मैं ये चीज आपके हवाले करता हूं, तो ये क्या है? अमानत है। और जब मैं मांगूंगा आपको वो अमानत वापस करनी है। मुस्तौदा का लफ्ज ला करके अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया है कि इंसान ये ना समझे कि उसे जमीन में दफन कर दिया गया तो वो फना हो गया, नहीं, उसे जमीन में अमानत के तौर पर रख दिया गया है। जमीन अमीन है और अल्लाह ताला ने उस आदमी को अमानत बना करके जमीन के हवाले किया है। अब अल्लाह जब चाहेगा उस अमानत को जमीन से ले लेगा। दर हकीकत मुस्तौदा के अंदर बास बादल मौत की दलील मौजूद है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जब अल्लाह ताला ने जमीन को एक अमानत दे दी है, अब जब चाहे अपनी अमानत वापस ले ले, जमीन को वैसे ही अमानत वापस करनी पड़ेगी। लिहाजा अल्लाह कयामत में मांगेगा कि मैंने जो अमानत तेरे से पुर्द किया था वो अमानतें दे दे, तो वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, तो जमीन अपने बोझ को बाहर निकाल देगी, बाहर निकाल देगी। तो मुस्तौदा ला करके बताया गया कि इंसान मरने के बाद दफन कर दिया जाए तो फना नहीं होता, बल्कि जमीन की अमानत में दे दिया जाता है। और उसके बाद अल्लाह कयामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो जमीन वो अमानत वापस कर देगी और सब अपनी अपनी कब्रों से खड़े होकर के मैदान महशर की तरफ भागेंगे। उसके बाद ये फरमाया गया, यहां एक नुक्ता और जहन नशीन कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हर जानदार की रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी है तो हाथ पैर ना हिलाओ तो मिलने ही वाली है। एक सवाल है कि जब अल्लाह ताला ने हर जानदार की रोजी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है तो चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ, चाहे मेहनत करो या ना करो, हाथ पैर हिलाओ या ना हिलाओ, रोजी तो मिलने ही वाली है, तो काम करने की क्या जरूरत है? निकम्मे और निठल्ले बनकर के बैठे रहो। जवाब उसका यह है कि अल्लाह ताला ने रोजी की जिम्मेदारी तो ली है मगर इंसान को असबाब इख्तियार करने का भी मुकल्लफ बनाया है। आदमी असबाब रोजी इख्तियार करे लेकिन इन असबाब को मुअस्सिर बिज़ात ना समझे, मुअस्सिर बिज़ात अल्लाह को समझे कि ऐ अल्लाह मैंने ये काम कर लिया है, रोजी कमाने के लिए ये तरीका इख्तियार कर लिया है, अब रोजी देना तेरा काम है, तू चाहे दे या ना दे। यानी आदमी असबाब तो इख्तियार करे मगर असबाब को मुअस्सिर बिज़ात ना समझे बल्कि मुअस्सिर बिज़ात अल्लाह तबारक तआला को समझे, इसी का नाम तवक्कुल है। किसी सहाबी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल मैं ऊंट को छोड़ दूं उसके बाद तवक्कुल करूं? आपने फरमाया नहीं, ऊंट को बांध दे फिर उसके बाद तवक्कुल कर। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक तआला ही रोजी देगा लेकिन तुम असबाब इख्तियार करो, असबाब इख्तियार करने के बाद तुम्हारा काम खत्म, अब रोजी देना ना देना ये अल्लाह तबारक तआला का काम, कितना देना है वो अल्लाह तबारक तआला देगा। उसके बाद इरशाद फरमाया गया وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا। बड़े अजीब अजीब मसाइल बयान किए गए। एक मसला तो ये बयान किया गया कि पहले खुदा था, उसके पहले कुछ भी नहीं था, वही था, बस वही था, और इंसानों की पैदाइश से 50,000 साल पहले उनकी तकदीरें लिख दी गई, अशिया की तकदीरें उनकी पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दी गई। एक नुक्ता ये याद रखा जाए कि पहले कुछ भी नहीं था, अल्लाह था, और इंसानों की अशिया की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक को दरखास्त हुई, इंसानों की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक ताला ने उनकी तकदीरें लिख दी थी 50,000 साल पहले। तो तकदीरें कब लिखी गई इंसानों की? उनकी पैदाइश से 50,000 साल पहले। अच्छा, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था।
फिर उसके बाद वकान अर्शहु अलल मा, उसका अर्श पानी पर था, उसने अर्श को पैदा किया, पानी को पैदा किया। अर्श भी मखलूक है जी, जिस पर मुस्तवी है वो भी मखलूक है, और पानी उसको भी अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया, अर्श को पानी के ऊपर रखा। और ये बताया गया कि हमने कायनात को 6 दिन में पैदा किया। अब ये दिन, इससे मुराद क्या है? ये हमारा दिन 12 घंटे वाला, कि सुबह सूरज निकलता है शाम में डूब जाता है, तो हम कहते हैं कि ये एक दिन है बजाय से। क्या ये दिन मुराद है? अरे उस वक्त तो ये निजाम शमसी था ही नहीं, ये निजाम शमसी था ही नहीं। कुरान हकीम ने एक जगह फरमाया है कि एक दिन की मिकदार जिसको तुम शुमार करते हो, हमारे यहां का एक दिन तुम्हारे यहां के 1000 दिन के बराबर, 1000 साल के बराबर है। अल्फसनतिन मिम्मा तउदून, तुम्हारे यहां का 1000 साल हमारे यहां 1 दिन के बराबर होता है। तो दिन दिन में फर्क होता है, अल्लाह के यहां दिन उसकी मिकदार कुछ और है और यहां दिन की मिकदार कुछ और है। तो 6 दिन में अल्लाह ने बनाया, तो 6 दिन से मुराद ये दिन, ये हमारा दिन मुराद है मालूम है। हो सकता है कि इससे मुराद 6000 साल, जब 1 दिन का 1000 साल तो 6 दिन पे 6000 साल। बहरहाल इतना मालूम है कि अल्लाह ताला ने कायनात को 6 दिन में बनाया। 6 दिन में बनाने की क्या जरूरत थी? कल मैं कुन कह देता और कायनात बन जाती। अल्लाह तबारक व ताला ये बताना चाहता है कि किसी अहम चीज को बनाने के लिए एक स्कीम होती है, एक तरतीब होती है, और जितनी स्कीम से, जितनी प्लानिंग के साथ किसी चीज को बनाया जाए वो उतनी ही अहम होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए तकरीबन 9 महीने लगते हैं। अब कोई ये पूछे कि बच्चा 9 ही महीने में क्यों पैदा होता है, तो उसी तरीके से ये सवाल हुई है कि कायनात को 6 ही दिन में क्यों पैदा किया गया। ये सवाल हो सकता है कि बच्चा 6 महीने ही में क्यों पैदा होता है, 1 दिन में ही क्यों पैदा नहीं हो जाता। गोया कि एक तरतीब बताई गई कि हर शय के बनने की एक प्लानिंग होती है और उसको एक खास वक्त में बनाया जाता है। कायनात की इब्तिदा किस दिन से हुई, किसी को मालूम है? कब से शुरू हुई और कब खत्म हुई? इतवार से शुरू हुई, जुमा को खत्म हुई जी, यौमुल अहद से शुरू हुई, यौमुल अहद से शुरू हुई, इतवार से शुरू हुई और जुमा को खत्म हुई। 6 दिन में अल्लाह तबारक कारण कायनात की तकलीफ फरमा दी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है कि नूह ने जब अपनी दावत को अपनी कौम के सामने रखा तो उन्होंने सबसे पहले यह एतराज किया, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, तुम तो हमारी तरह इंसान दिखते हो। इसका मतलब पहले लोग ये कहते थे कि ये बशर है इसलिए नबी नहीं हो सकता, और अब क्या कहते हैं? ये नबी है बशर नहीं हो सकता। पहले लोग क्या बोलते थे कि ये इंसान है, इंसान नबी कैसे हो सकता है? ये अगर इंसान है हमारे जैसा तो फिर ये नबी नहीं हो सकता। और आज क्या बोलते हैं? ये नबी है इस वजह से इंसान नहीं हो सकता। बदाहिर दोनों बातों में कोई फर्क नहीं। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि वला अकूलु लकुम इन्नी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अकूलु इन्नी मलक। एक मसलक के पूरे मसलक की बुनियाद 3 बातों पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तारे कुल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से हैं, इंसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत के इब्तदाई टुकड़े ही में तीनों का रद्द कर दिया है। फरमाया नूह आप कह दो वला अकूलु लकुम इन्नी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं मुख्तारे कुल नहीं हूं। वला अकूलु वला आलमुल गैब, और मैं गैब भी नहीं जानता, इल्म गैब की नफी। इसे वला अकूलु इन्नी मलक, मैं नहीं कहता कि फरिश्ता, इसलिए फरिश्ता नूर से बनाया गया। इसका मतलब मैं मुख्तारे कुल नहीं, मैं गैब का इल्म नहीं रखता, इसी तरीके से मैं नूर का बना हुआ नहीं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, नूर का बना हुआ नहीं। यानी एक आयत के इब्तदाई टुकड़े में तीनों
عقیدے کا رد کر دیا گیا. اور یوں بھی عقلی طور پر رد کیا جا سکتا ہے کہ اگر مانتے ہو کہ اللہ کے رسول انسان نہیں تھے تو پھر وحی کا انکار ہے, اس لیے کہ وحی اتری ہے انسان کے اوپر. اگر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے تو وحی کا انکار, اور اگر ہر جگہ حاضر و ناظر مانے تو پھر معراج کا انکار ہے. اس لیے کہ معراج میں بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب آگے گئے تو آپ آسمان میں داخل ہو گئے, اس کا مطلب اس وقت آپ دنیا میں نہیں ہیں. تو اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تب تو معراج کا انکار ہے, اور اگر بشر نہ مانا جائے تو وحی کا انکار, اگر بشر نہ مانا جائے تو پھر وحی کا انکار ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بشر ہی کے اوپر قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور آپ سے کہلوا دیا گیا, قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا, میرا رب پاک ہے میں بشر ہوں, اور بشر کو رسالت دی گئی. یہ ٹھیک ہے کہ ایک آدمی بولتا ہے کہ تم انسان ہو, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دو آدمی ہیں, ایک جنتی ایک جہنمی ہے, لیکن دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں, دونوں انسان ہیں. ایک شقی اور ایک سعید ہے, ایک جنتی ایک جہنمی ہے. نمک اور کافور دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن دونوں کے ذائقوں میں فرق ہے. آب تلخ اور آب شیریں, میٹھا پانی اور کڑوا پانی, دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں مگر دونوں کے مزاج میں فرق ہے. جیسے جنتی اور جہنمی انسان دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں, دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کی منزل الگ الگ ہے, ایسے ہی آب تلخ اور آب شیریں, کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں مگر دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہے. اسی طریقے سے کافور اور نمک دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں مگر دونوں کے ذائقوں میں فرق ہے. ایسے ہی کوئی آدمی کسی جنگل میں بھٹک گیا ہو, اسے راستہ نہ مل رہا ہو, تو ایک آدمی آتا ہے بولتا ہے کیا بات ہے, ارے کہاں میں جنگل میں پھنس گیا ہوں, میں باہر جانے کا راستہ مجھے نہیں مل رہا ہے. تو کہتا میں بتاتا ہوں نا, آئیے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ میں بتاتا ہوں. اب وہ اصرار کرے, ارے تم کیا بتاؤ گے, تم تو میری طرح انسان ہو. ٹھیک ہے تمہاری طرح انسان ہے لیکن تم کو راستے کی خبر نہیں, اس کو راستے کی خبر ہے. ہو دونوں انسان مگر ایک کو راستے کا علم ہے, دوسرے کو راستے کا علم نہیں ہے. اب وہ اصرار کرے کہ بھائی تم کو کیسے معلوم جنگل کا راستہ, یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, تم تو میری طرح انسان ہو, تو کہیں گے نہیں احمق آدمی ہے. وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے میں تمہاری طرح انسان ہوں لیکن تم راستے سے بے خبر ہو اور میں راستے سے باخبر ہوں. یہی فرق ہوتا ہے ایک انسان میں اور ایک نبی میں. نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ کس طرف جاتا ہے, انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ جنت کا راستہ کس طرف جاتا ہے. نبی ہی آ کر کے اللہ کے حکم سے بتاتا ہے کہ جنت کا راستہ کیا اور جہنم کا راستہ کیا ہے. بتائیے دونوں بشر ہیں. مثال سے سمجھ میں آیا, جنگل میں آدمی راستہ بھٹکا ہوا ہے, جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں معلوم ہو رہا ہے, ایک آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کیا بات ہے, کہتا میں راستہ بھٹکا ہوں, کہتا میں بتاتا ہوں نا جنگل سے باہر جانے کا راستہ کیا ہے. اب وہ اٹ جائے, ارے تمہیں کیا معلوم, تم تو میری طرح کے انسان ہو, مجھے نہیں معلوم تو تم کو کیسے معلوم. وہ یہی کہے گا کہ ہم تو ہیں انسان دونوں لیکن میں راستے سے باخبر ہوں, تم راستے سے بے خبر ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے. کیا کہ جب انہوں نے 950 برس دعوت توحید اپنی قوم کے سامنے رکھی اور قوم اس بات پر بسیط ہو گئی کہ ہم اپنے 5 معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے, ولا تذرن ودم ولا سوا ولا یغوث و یعوق و نصرا, یہ 5 جو بت ہیں, 5 جو ہمارے معبود ہیں ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں. 950 برس تک کتنی پیڑیاں گزر جائیں, آج 18 پیڑیاں گزر جائیں, یہ نبی 950 برس تک لوگوں کو دعوت توحید دیتا رہا, وہ بھی رات کو رات نہیں دن کو دن نہیں سمجھا. قال انی دعوت ربی قومی لیلا و نہارا, لیل اور نہار رات اور دن. معہ الا قلیل, اللہ فرماتا ہے 950 برس کی محنت کے بعد صرف 80 آدمی ایمان لائے, بہت تھوڑے لوگ. اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ آدمی اپنا کام جاری رکھے, یہ نہ دیکھے کہ کتنے لوگ ایمان والے ہوئے ہیں, بس اپنا کام کرتا جائے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا اتنے ہی لوگ کیوں میرے راستے پر آئے,
ये पूछा जाएगा कि तुमने मेहनत कितनी की है। आप मेहनत करते जाइए, नतीजा अल्लाह को पर छोड़ दीजिए। मेहनत करके आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, बकिया समरा और नतीजा ये अल्लाह के हाथ में है। आपसे नतीजे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपकी मेहनत के बारे में पूछा जाएगा। 950 बरस का नतीजा, ये 80 लोग हैं। आपके 4 बेटे थे, हाम, साम, याफिस और जो डूब गया उसका नाम था याम, ये अलिफ ज़बरिया मीम साकिन, याम। हाम साम याम याफिस, तो हाम साम याफिस ये तो मोमिन हो गए थे, लेकिन याम जो था जिसको कनान कहते हैं ये डूब गया। 950 बरस की तबलीग के बाद जब लोगों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया तो इन्होंने बद्दुआ की, और बद्दुआ कितनी खतरनाक है। अल्लाह अकबर। हजरत नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, लबला तजर अलल अर्द मिनल काफिरीन दयारा, ऐ मेरे रब काफिरों का एक घर भी मत छोड़, सबको तबाह कर दे। क्यों? आगे उसकी वजह बताई, इन्नक इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, अगर तू इनको छोड़ देगा तो ये लोगों को, तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और इनसे जो औलाद पैदा होगी वो भी फाजिर और कफारी पैदा होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आदमी सरकशी की इंतहा कर दे तो सरकशी उसके जीन में घुस जाती है। ये एक अजीबोगरीब मसाला है। आदमी अगर सरकशी की इंतहा कर दे तो सरकशी और नाफरमानी उसके जीन में दाखिल हो जाती है। बच्चे पैदा होंगे तो वो भी नाफरमानी। ये एक अजीबोगरीब मसाला है, साइकोलॉजी का अजीबोगरीब मसाला है, बल्कि ये मसला बायोलॉजिकल हो गया है कि जीन में मुंतकी हो जाती है नाफरमानी। तभी तो कहा गया एक घर भी ना छोड़, इसलिए कि इनसे जो औलाद पैदा होगी वो औलाद भी फाजिर और कफार पैदा होगी। इसका मतलब ये है कि ये नाफरमानी और सरकशी जीन में मुंतकिल हो जाएगी, इनके बच्चे भी पैदा होंगे तो फाजिर और कफार। वाला यलिदु इल्ला फाजिरन कफार, ये बच्चे जनेंगे तो वो फाजिर और कफार होंगे। और दुआ कबूल हो गई, कहा कि एक कश्ती बनाओ, इसलिए पानी का अज़ाब डाल नाजिल करने वाले हैं। और जैसे ही एक अलामत बता रहा हूं, तुम्हारा तन्नूर उबल पड़े, तुम्हारे तन्नूर से पानी निकलने लगे जहां तुम रोटी पकाते हो, तो समझ लो कि अदाब का आगाज हो चुका है, सारे लोग कश्ती में बैठ जाना। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनवानी शुरू की और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे अल्लाह की निगरानी में। अल्लाह फरमाता है, वयस्नउल फुल्क वस्नइल फुल्क बिआयुनिना, कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में। और ये दुनिया की पहली कश्ती है जो नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, वो भी अल्लाह की निगरानी में। अल्लाह ने पहले बताया उनको कि कश्ती कैसे बनाई जाती है, वस्नइल फुल्क बिआयुनिना, हमारी निगरानी में तुम कश्ती बनाओ। ये पहली कश्ती है जो नूह अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह तबारक तआला ने तैयार करवाई। कश्ती जब बनाते तो लोग आते देखते, कहते क्या है ये? बोले ये कश्ती है पानी के ऊपर चलने वाली। तो मजाक करते, बोलते वो देखो नूह को, आस पास कहीं पानी है नहीं, नदी है नहीं, ये हवा में कश्ती चलाएगा, ये हवा में कश्ती चलाएगा, मजाक उड़ाते। यहां तक के हमारा अजाब आ गया, हत्ता इदा जा अमरुना वफार तन्नूर, तन्नूर उबल पड़ा, सारे लोग जाकर के उस कश्ती में बैठ गए। हाम साम याफिस, याम जो था वो काफिरों के साथ था, वो इस कश्ती में नहीं आया। जितने भी मोमिन थे सब कश्ती में बैठ गए और जानवरों का एक एक जोड़ा, जो उस वक्त जानवर मौजूद थे, एक एक जोड़ा कश्ती में रख लिया गया। पानी नीचे से उबल रहा था, आसमान से पानी बरस रहा था। कश्ती कुछ वक्त के बाद ऐसी मौजों में चल रही थी कि वो मौजें पहाड़ों की तरह थी। भैया तजरीबी सी मौजिन कल जिबाल, ये कश्ती ऐसी मौजों में चल रही थी जो मौज पहाड़ों की तरह थी। अब अंदाजा लगाइए पानी कितना शदीद और कितना जबरदस्त रहा होगा। कश्ती चल रही है, भैया तजरीबी सी मौजिन कल जिबाल। इतने में हजरत नूह ने देखा कि सारे लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं। उन्हीं डूबने वालों में उनका बेटा नजर आया, पुकारा, ने देखा कि वो कुछ लोग जो डूब रहे हैं उनके साथ है, वो उभर रहा है, ऊपर आ रहा है। इरकम माना या बुने यरकम माना, है मेरे बच्चे कश्ती में सवार हो जाओ, वाला तकुम माल काफिरीन, काफिरों के साथ मत रहे। क्या बोलने लगा? قال سادي لجبل ياسمني من الماء, कहा कि वो जो पहाड़ दिख रहा है जूती,
वहां एक जूदी पहाड़ था, जूदी पहाड़। यह दर हकीकत कुर्दिस्तान में है। जूदी कहां है? कुर्दिस्तान में है। ये कोह अरारात का एक हिस्सा है जो आर्मेनिया से लेकर कुर्दिस्तान तक फैला हुआ है। ये जबल जूदी ये कोहिस्तान अरारात का एक हिस्सा है जो आर्मेनिया से कुर्दिस्तान तक फैला हुआ और कुर्दिस्तान में। तो कहा कारस आबिला जबल यासिनी मिनल मा, कहा मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। नबी ने फरमाया अरे मेरे बच्चे ये पानी नहीं है, अगर पानी होता तो ये पहाड़ तुझे बचा लेता, ये पानी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है, कोई नहीं बच सकता इस अज़ाब से। कहा लास्म अलियुम मिन अब्रिल्लाह इल्ला मर रहीम, अल्लाह तबारक तआला के अज़ाब से आज कोई बच नहीं सकता मगर जिसके ऊपर अल्लाह रहम करे। और आज रहम सिर्फ मोमिनों के ऊपर होगा, काफिरों के ऊपर रहम नहीं होगा। वहां नबी नमल मौज फकाने मिनल मुग़रखीन, बात हो ही रही थी कि नीचे गया तो ऊपर नहीं आया। बाप का दिल तड़प उठा, मेरा बेटा मेरे सामने डूब गया। अल्लाह ने वादा किया था तेरे अहल को बचा लूंगा, हजरत नूह ने हवाला दिया अहल होने का। वनादा नूह रब्बो फकाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली वही नवादा कल हक मानता है हकमुल हाकिमीन, अल्लाह तूने वादा किया कि तेरे अहल को बचा लूंगा, मेरा बेटा मेरे अहल में से। और ये सब जानते हैं कि बेटा बाप के अहल में से होता है। जवाब मिला कारे या नूह इन्नहु लैसा मिन अहली, ऐ नूह ये तेरे अहल में से नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर लोग कहते हैं कि हम खानदान रसूल से हैं, हम सैयद हैं, ये आयत करीमा बता रही है कि अगर नबी के तरीके पर नहीं चल रहा है तो वो सैयद है ही नहीं। खानदान रसूल से उसका नाम काट दिया गया है, जैसे यहां उस नाफरमान बेटे का नाम काट दिया गया खानदान नबूवत से। इन्होंने कहा मेरा अहल है, अल्लाह फरमा रहे तेरा अहल नहीं है, यानी जो मेरा अहल है वो तेरा अहल नहीं, जो मेरा नाफरमान है वो तेरा अहल हो ही नहीं सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने डांटा फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अऊज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। ये डांट है अल्लाह पर उस पैगंबर को जो 950 बरस तक अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद लोगों के सामने दिनों रात पेश करता रहा, एक रिक्वेस्ट कबूल नहीं हुई। ये इबरत है उन लोगों के लिए जो ये अकीदा बनाए बैठे हैं कि चाहे हमारे पास अमले सवाले हो या ना हो, अकीदे खालिस हो या ना हो, कोई बाबा मुझे जन्नत में लेकर चला जाएगा। अरे जब नबी की नसबी कराबत बेटे के काम नहीं आई, क्या मामला है? दूरी है, दूर किया जाए। जब नबी की नसबी कराबत किसी के काम नहीं आ सकती तो फिर दूसरे लोग जो ये अकीदा बनाए बैठे हैं कि फला पीर फला वली फला इमाम हमारा भला कर देगा, हाथ पकड़ करके जन्नत में लेकर चला जाएगा, दामन पकड़ कर मचल जाएंगे, वहां सब नंगे होंगे, दामन पकड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, दामन होगा ही नहीं, दामन पकड़ के मचल जाएंगे। यहां आदि से पाके सारे के सारे नंगे होंगे, दामन बोल दो। तो अगर आदमी के पास एतिकाद खालिस ना हो, अमले सवाले ना हो, तो कोई भी आदमी उसको जहन्नम से नहीं बचा सकता, जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। अरे यहां नसबी कराबत बेटे के काम नहीं आई, नबी अपने बेटे को नहीं बचा सका, तो दूसरे लोग किसी गुनहगार को क्या बचाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का यह पूरा वाकया बयान करने के बाद फरमाया तिल्क मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, ऐ हमारे हबीब ये गैब की खबरें हैं, हम आपको वही के जरिए बता रहे हैं। मा कुंता तालमु अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले ना तो आपको मालूम था यह वाकया ना आपके कौम को, इल्म गैब का खुला हुआ रद मौजूद है। और लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, साफ कह दिया गया मा कुंता तालमु अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले ना तो आपको इस वाकये का इल्म था ना आपके कौम को। इसका मतलब नबी को उतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह तबारक व तआला बता दे, बकिया उसको गैब का इल्म नहीं होता। ये आयत करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब कुल्ली की बिल्कुल नफी करती है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल के हैं और आपकी बीवी सारा 90 साल की है, 10 साल छोटी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल के, आपकी बीवी बड़ी सारा 90 साल की है, औलाद नहीं, और दोनों की जवानी का मौसम गुजर चुका है। एक 100 साल का औरत 90 साल की, वो बूढ़े ये बुढ़िया। लूत अलैहिस्सलाम इनके भतीजे हैं, ये शहर सदूम की तरफ भेजे गए थे, वहां लोग सोडोमी में मुब्तला थे, होमोसेक्सुअलिटी में, मर्द मर्द के पास जाता था औरत के पास नहीं।
اللہ تبارک تعالی نے کہا یہ قوم وہ قوم ہے اس سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا, اس سے پہلے یہ گناہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہ قوم لوط نے اس کا آغاز کیا, جیسے بت پرستی کا آغاز قوم نوح نے کیا ایسے ہی سوڈومی کا آغاز انہوں نے کیا قوم لوط نے. اللہ تبارک تعالی نے کہا چونکہ یہ الٹا کام کر رہے ہیں لہذا ان کی بستی کو الٹ دیا جائے, فرشتوں کو بھیجا گیا. تو پہلے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس نہیں گئے, شہر صدوم نہیں گئے, بلکہ یہاں آئے فلسطین آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ واقعہ بیان کر رہا ہے, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتا اعجز االد وانا عجوز وهذا بالي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. یہ پورا واقعہ ہے ان آیات کے اندر کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے آئے ہیں, ڈائریکٹ لوط کی بستی میں نہیں گئے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے چچا تھے وہاں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں, انسانی شکل میں تھے یہ سارے فرشتے جو بستی الٹنے کے لیے آئے تھے. آئیے بیٹھے بیٹھے بڑے مہمان نواز تھے, اللہ کے خلیل بڑے مہمان نواز تھے. فوراً انہیں ایک جگہ بٹھایا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں. یہ ایک نکتہ ملتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس کردار سے کہ مہمان اگر آپ کے یہاں آ جائے تو یہ نہ پوچھئے کہ بھئی آپ کھائیں گے آپ پیئیں گے, ماں حضر لا کر رکھ دیجئے جو کچھ روکھا سوکھا ہو, اور اگر آپ کو کھلانا ہی ہے تو اچھی کھینچ دیجئے ان کو. اچھی کھینچ کیا ہے وہ جو بتایا گیا, بیجرن حنیل بھنا ہوا بچڑا ہے, پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں کھانا کھائیں گے نہیں, بھوک نہیں ہے یہاں پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں, اب وہ شرم سے حیا سے کہہ نہیں پا رہا کہ میں بھوکا ہوں, نہیں نہیں کھانا میں کھا کر آیا ہوں. کوئی بلائے بھی تو بیٹھ جانا چاہیے, دو ایک لک میں کھا لینا چاہیے. بعض بچوں کو اپنے ساتھ بولتا ہوں کہ بیٹھ جاؤ بھائی دو ایک لک میں کھا لو, نہیں, جبکہ مجھے معلوم ہوتا ہے اب یہ کھا کر نہیں آیا ہے, کھا لینا چاہیے بیٹھ کر کے, ایک دو لک میں سے کیا ہوتا ہے. تو قال, اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی کسی کے گھر جائے تو پہلے سلام کرے, یہ آئے تو انہوں نے سلام کیا. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما, فرشتے انسانی شکل میں کسی کے گھر جائیے آپ کو سلام کیجیے, فرشتے آئے انسانی شکل میں انہوں نے سلام کیا, جواب دیا انہوں نے قال سلام وعلیکم السلام, بٹھایا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, ٹھہرے نہیں جا کر کے جلدی سے بھنا ہوا بچڑا لا کر کے سامنے رکھ دیا, ابھی بیٹھے ہیں کہتے کھائیے کھائیے الا تاکلون کھاؤ کھاؤ, اب ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے ہیں. فلما رأيهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة, دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف وہ بھنے ہوئے بچڑے کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے اجنبیت محسوس کی, نکرهم, اور اپنے دل میں ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے میرے دشمن ہوں جو نقصان پہنچانے کے لیے آئے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جاتا ہے یہ فرشتے ہیں, گناہ ہوا بچڑا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے, اگر وہ حیات بھی بدل لے اگر وہ شکل بھی بدل لے تب بھی اسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی. فرشتے یا انسان کی شکل میں آئے لیکن چونکہ وہ نوری مخلوق ہیں اگر انسانی شکل میں آ جائے تو ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے تھے, اگر نور کے بنے ہوئے تھے تو کھانا کھانے کی حاجت کیا معنی رکھتی ہے. تو قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأيهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة, ڈر گئے. ڈرنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا, وہ سمجھے یہ دشمن ہے جبکہ وہ فرشتے ہیں. اچھا ان کی بیوی سب دیکھ رہی ہیں, وہ بڑھیا جو ہے اندر سے سب دیکھ رہی ہے حضرت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ڈرے ڈر گئے ہیں. اب فرشتوں نے کہا کہ دیکھو ڈرو نہیں, قالوا لا تخف, تم ڈرو نہیں, ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے قوم کو الٹنے کے لیے جا رہے ہیں, انہا ارسلنا الی قوم لوط. اب خوش ہو گئے, خوش ہو گئے. اور ان کی بیوی جو دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی, ممراتہ قائمتن, ان کی بیوی جو وہاں کھڑی تھی, فضحکت, کہ بڈھا پہلے کیسے ڈر گیا اب دیکھو کیسا خوش ہو رہا ہے, فضحکت, یہ بھی ہنس پڑی. تو فرشتے مڑے, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا, اور بچے کی بشارت تو لے لو پوتے کی بھی بشارت دے دیتے ہیں ہم کہ پوتا بھی ہوگا ایک اسحاق کا لڑکا ہے یعقوب. اب یہ اور حیرت زدہ ہو گئی,
कहने लगी قالت يا ويلتا أأليد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا. ये हैरत की बात है, मुझे बच्चा होगा जबकि मैं बुढ़िया हो गई और मेरे ये शौहर बुढ़े हैं. قالت يا ويلتا أأليد وأنا عجوز, عجوز من बुढ़िया, وهذا بالي شيخا, بال माने शौहर, शेख माने बुढ़ा, तो وهذا بالي شيخا, मेरे ये शौहर बूढ़े, मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरा शौहर भी बूढ़ा, दोनों जवान नहीं है, जवानी का मौसम गुजर गया. अब इस मौसम में बुढ़ापे में औलाद कैसे होगी? तो फरिश्तों ने कहा, ये हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह ताला की तरफ से बशारत है. قالوا تعجبين من امر الله, अल्लाह के हुक्म से आपको ताज्जुब है, अल्लाह का हुक्म है, वो चाहे तो बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है, इसमें आपको क्या ताज्जुब है. उसके बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, तो लगे झगड़ने, युजादिलुना फी कौमी लूत, वो झगड़ने लगे, और अल्लाह ताला कहता है कि फरिश्तों से नहीं मुझसे झगड़ रहे थे. अल्लाह फरमाता है मेरा खलील मुझसे झगड़ने लगा, युजादिलुना फी कौमी लूत, लूत की कौम के बारे में मुझसे झगड़ा करने लगा मेरा खलील. क्या झगड़ा करने लगा? अरे क्यों पूरी बस्ती को अल्लाह उलटना चाहता है, कुछ नेक लोग होंगे. तो कहा गया फरिश्तों से, इनसे पूछो, इनसे कह दो उसमें कितने लोग हैं. कहा एक तो होगा. बोले एक भी नहीं है, एक भी अच्छा आदमी नहीं है. इससे यह नुक्ता मिला कि कौम अगर इनफरादी गुनाह में मुब्तला, चंद ही लोग गुनहगार हैं, तो कौम को संभलने का मौका दिया जाता है, और अगर वही गुनाह इज्तिमाई हो जाए तो फिर उस कौम को अज़ाब इलाही से कोई नहीं बचा सकता. कौम लूत में एक भी आदमी अच्छा नहीं रह गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी बस्ती को उलटने का फैसला फरमा लिया, और अल्लाह ताला ने तारीफ की इनकी, खामखा मेरा खलील मुझसे झगड़ रहा है. इन इब्राहिम लहलीम नवाह मुनीब, बहुत ज्यादा आह आह करने वाले, बहुत ज्यादा रोने वाले, और बहुत ज्यादा लोगों से मोहब्बत करने वाले, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले, ये तो नाफरमानों के बारे में भी ऐसे हमसे झगड़ेंगे, लेकिन हम जो फैसला कर चुके हैं उस फैसले के अंदर मेरा खलील भी टांग नहीं अड़ा सकता. अल्लाह ने फरमा दिया कि ये ऐसा मामला, ऐसा फैसला है कि इसमें तुम्हारी सिफारिश भी नहीं चलेगी. पता ये चला कि जब अल्लाह किसी मामले का फैसला कर ले तो कायनात का बड़े से बड़ा बल्कि मुकर्रबे बारगाह इलाही अल्लाह के फैसले को टाल नहीं सकता, वो होकर रहता है. फरिश्ते आए, अब देखा कि खूबसूरत लौंडे हैं, खूबसूरत लौंडों की शक्ल में गए थे, अच्छे लड़के थे, कौम इनके पीछे दौड़ी, अच्छे लड़के मिल गए. बोले अब लगे हजरते लूत बहुत परेशान हुए, इनको भी मालूम है कि अल्लाह के फरिश्ते, लोगों से कहने लगे भाई इनका पीछा क्यों कर रहे हो, कहा निकालो निकालो तुम्हारे जो मेहमान है, बाहर निकालो उनको. हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेकसी बेचारगी के आलम में दरवाजे के पास खड़े हुए कहा अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में एक भी अच्छा आदमी नहीं है, ये मेरे मेहमान है, औलाए ज़ैफी फला तुख्ज़ुनी फी ज़ैफी, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में एक भी अच्छा आदमी नहीं है. तो कहने लगे क़ालू लक़द अलिमता मा, तुझे मालूम है कि हमको क्या चाहिए, तुम मालूम है क्या चाहिए हमको, ये कौम का जवाब था एक पैगंबर को. फरिश्तों ने कहा कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं. कालू या लू तो इन्ना रसूल रब्बिक लन यसलु इलैक, तो आप तक पहुंच भी नहीं सकते, पहुंच भी नहीं सकते, और अभी अभी इनको हम सजा दे दें, लेकिन सजा का एक दूसरा तरीका अल्लाह ने इनके लिए चुना है, वो सजा हम देने वाले हैं इनको. कहा कि कौन सी सजा? कहा कि जितने ईमान वाले हैं सब बस्ती छोड़कर निकल जाएं, बिल्कुल सुबह के अंदर इसको इनके ऊपर अदा आने वाला है. सुबह का वक्त बड़ी गफलत का वक्त होता है, आम तौर पर आदमी सोया रहता है, गाफिल रहता है. कहा फला यल्तफित मिनकुम अहद इल्ला मरातक इन्ना मौईदहुम अस्सुबह अलैसा सुबह के करीब, अदाब आने का टाइम मौईद सुबह है, और सुबह बिल्कुल करीब है. तुम अपने मानने वालों को लेकर इस बस्ती से निकल जाओ, और देखो जब बस्ती से निकल जाओ तो पीछे मुड़ करके मत देखना. फला यल्तफित मिनकुम अहदुन, कोई भी पीछे मुड़ करके ना देखे, इसलिए कि इस बस्ती को हम तबाह बर्बाद करने वाले हैं. फलम्मा जाबरुना जालना आलिया साफ लहा वाम तरना आलिया हिजारत मिन सिज्जील मंजूद मुसव्वमत इंद रब्बिकुम अहलिन मिन अदवालिन भी भाई, अल्लाह का अदब ऐसा है ऊपर वाले हिस्से को निचला हिस्सा बना दिया. अल्लाह, अब पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई, उल्टा काम करते थे, अल्लाह ताला ने इनको उसी तरीके की सजा दी, उल्टा काम करने वालों को, बस्ती को उल्टा कर दिया.
और इस अजाब की लपेट में उनकी बीवी भी आ गई, पीछे मुड़कर देख लिया था उसने, अल्लाह की नाफरमान थी। एक नुक्ता ये मिला कि नबी की बीवी काफिरा तो हो सकती है, नाफरमान तो हो सकती है, मगर जानिया नहीं होती, अच्छी होती है वो, लेकिन अकीदे के एतबार से वो काफिरा हो सकती है। नुक्ता ये भी मालूम हुआ कि एक नबी जब अपनी बीवी को नहीं बचा सकता एक अदब इलाही से, और एक नबी अपनी बीवी को ईमान वाला नहीं बना सकता। सुना है कि एक पीर साहब थे, दाहिनी तरफ सलाम फेरा, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो इस तरफ जितने थे सब मुसलमान हो गए, और बाई तरफ सलाम फेरा तो नबी ने ये काम क्यों नहीं किया भाई कि आप सलाम फेरते रहते सारे लोग मुसलमान हो जाते। फिर क्यों जंगे उहुद हुई, जंगे बद्र हुई, जंगे अहज़ाब हुई, इन तमाम लड़ाइयों की, इन टेंशनों की क्या जरूरत थी, सिर्फ सलाम फेरते रहते लोग मुसलमान होते जाते। ये सब किस्से कहानियां हैं, अमली और हकीकत से, अमल से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सब किस्से कहानियां हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये गैरुल्लाह के पुजारियों ने ईजाद किया हुआ है ताकि लोग कुरान हकीम से दूर रहें। अगर ये लोग सुधर गए तो फिर हमारे पेट का क्या होगा, चढ़ावों का क्या होगा, अगर इनकी समझ में कुरान आ गया तो, कि अल्लाह के अलावा कोई ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, फिर हमारे मजारों का क्या होगा, हमारे चढ़ावों का क्या होगा, जो सब जिनका मकसद पेट पालना है। ये था कौम लूत का बयान। और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी को खिताब करके फरमाया, फस्तकीम कमा उमिरता, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है उसके ऊपर इस्तकामत बरतिए। मैं कहता हूं कि इस्तकामत ही दर हकीकत पूरे दीन की जान है। एहदिना सिरात अल मुस्तकीम, मुस्तकीम इस्तकामत से है। अल्लाह तआला ने इस्तकामत के अंदर पूरे दीन को समेट दिया है। अगर एतिकाद में, अकीदे में इस्तकामत रहो तो शिर्क बन जाता है, और अमल में इस्तकामत रहो तो बिदअत बन जाता है। इस्तकामत जरूरी है। अगर एतिकाद में, एतिकाद में, अकीदे में अगर इस्तकामत ना हो तो शिर्क में इंसान मुब्तला हो जाता है, और अमल में अगर इस्तकामत ना हो तो आदमी बिदअत में मुब्तला हो जाता है। तो मुस्तकीम रहना जरूरी है अकीदे में भी और अमल में भी। फिर से बोलता हूं कि अगर अकीदे में इस्तकामत ना रहे तो आदमी शिर्क में मुब्तला हो जाता है, और अमल में इस्तकामत ना रहे तो आदमी बिदअत में मुब्तला हो जाता है। फस्तकीम कमा उमिरता, और अल इस्तकामा, हजरत अल्लामा इब्ने तैमिया अलैहि रहमत की 1000 सफे पर किताब है, उसका नाम ही अल इस्तकामा। क्या किताब है, सुभान अल्लाह, एक लफ्ज की शरह 1000 सफा पे की है। क्या इल्म है अल्लाह, ये पिद्दी पिद्दी को लोगों को क्या मालूम कि इल्म किसको बोलते हैं। एक लफ्ज की शरह अल इस्तकामा, इस्तकामत की शरह हजरत अल्लामा इब्ने तैमिया ने की 1000 सफे के ऊपर। उनकी किताब का नाम है अल इस्तकामा, मेरे रैक में लगी हुई है मेरे कमरे में, अल इस्तकामा। इतनी बड़ी किताब है, 1000 सफे पर एक लफ्ज की शरह है अल इस्तकामा। एहदिनस सिरात अल मुस्तकीम फस्तकीम कमा उमिरता। उसके बाद सूरह यूसुफ शुरू होती है। सूरह यूसुफ के अंदर आपको मालूम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये अपने बाप याकूब के बड़े चहेते और बड़े महबूब बेटे थे, सबसे ज्यादा इन्हीं को चाहते थे। भाइयों को हसद था इनसे कि बाप इनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करते। इन्होंने ख्वाब देखा कि चांद और सितारे, चांद और सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब अपने बाप से बयान किया। पहली बात तो ये मालूम हुई कि उनके 12 बेटे। फैमिली प्लानिंग कहाँ है, फैमिली प्लानिंग कहाँ, एक नबी को कितने बेटे, 12 बेटे, 12। फैमिली प्लानिंग करा दे। और जब इन्होंने ख्वाब बयान किया कि ऐसा ऐसे मैंने ख्वाब में देखा है, तो हजरत याकूब ने बड़ी प्यारी बात कही, काले या बुनैया ला तक